इस वीडियो को छोड़ के जाने का प्रयास तो गलती से भी मत करियो, क्योंकि बहुत कररी चीज मिस कर जाओगे गुरु मुसवन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लइके प्रभु के नाम शुरू किया जाए अपना काम। देखो पहला फैक्ट आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, और बाकी जितने फैक्ट आएंगे उन बोरिंग में मोटर पड़ जाएगा। तो आपको क्या पता है कि इन चूहों की उम्र कितनी होती होगी? 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, अरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, सिर्फ 2 साल। है कि नहीं बोरिंग बात? अगर चूहे को सादा पानी और ड्रग्स वाला पानी दिया जाए तो वो हमेशा ड्रग वाला पानी पिएगा, क्योंकि नशेड़ी होता है साला। चूहा लगातार 3 दिन तक तैर सकता है और 3 मिनट तक सांस रोक सकता है, और अगर इसको एक बार टॉयलेट में फ्लश कर देंगे तो वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, क्योंकि आपने कभी भी गौर किया होगा कि नशेड़ियों का दिमाग बहुत तेज चलता है। चूहे को कुछ भी साफ तरीके से दिखाई नहीं देता, पर फिर भी ये बहुत तेज होता है। इतना तेज होता है कि अगर इसको एक बार मोमोज खिला दिया जाए तो इसके मुंह में जीवन भर पानी आता रहेगा। चूहा उस कुतिया की तरह है जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, और चूहे को सबसे पहले फ्रांस ने अंतरिक्ष में भेजा था 1961 में। चूहे को इंग्लिश में कहते हैं माउस, और ये माउस शब्द संस्कृत के मस शब्द से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है चोर। चोर, चोर। भारत के राजस्थान के बीकानेर जिले में एक देशोक नाम की जगह है, जहाँ पर एक करणी माता का मंदिर है, और वहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा चूहे हैं, क्योंकि वहाँ चूहों की ही अधिकतर पूजा होती है। और वहाँ जो घूमने आते हैं, प्रार्थना करने लोग व्यक्ति आते हैं, वो चूहों को लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इत्यादि सब कुछ प्रदान कर देते हैं। मतलब वाह। 19वीं सदी में लंदन में एक रेड बैटिंग नाम का गेम बहुत फेमस था। भैया बताएं, हमको भी गेम बहुत पसंद है, पर वो गेम कुछ अलग ही टाइप का था। मतलब कि वहाँ पर 1,000 की संख्या में चूहे छोड़े जाते थे, और उनके पीछे से मूसमार व्यक्ति और कुत्ते छोड़े जाते थे। जो सबसे ज़्यादा चूहे पीछे उनके दौड़ के मार देगा वही विजेता होगा। और एक आदमी ने 5 मिनट 28 सेकंड में 100 चूहे मार के रिकॉर्ड बना लिया था। जमीन सब लाशें बिछा डाली, सब जितने कुत्ते पीछे छोड़े गए रहे वो सब खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं, और लाशें बिछ गए। लाशें हम इंसान नहीं पी सकते हैं, पर ये चूहे जो हैं समुद्र तक का पानी पी सकते हैं। मतलब कभी कभी तो चूहों से जलन फील होती। पाकिस्तानी का तो पता नहीं, मगर चूहा रेगिस्तानी जरूर होता है। मतलब कि वो बिना पानी पिए 1 से 2 साल लगभग अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। इतना बड़ा रोजा तो साला ऊंट भी नहीं रखता, वो भी सिर्फ 6 महीने का निर्जला व्रत रखता है। है कि नहीं? अगर आप 1912, 1924, 1936, 1948 या फिर 1960 या फिर ऐसा कह दें कि बारक पहाड़ में पैदा हुए हो, तो चाइनीज ज्योतिष के अनुसार आप चूहे हो। पर एक बात समझ लेना भैया, चाइनीज चीज है, चल गई तो चांद तक, नहीं चली तो शाम तक। वायरस, बुखार से लेकर प्लग तक हर बीमारी के लिए लगभग यही दोषी हैं। मतलब मरीजों बुलाओ पुलिस को, आज ना छोड़ेंगे इनको डम। मान लो अगर चूहा कभी सिगरेट पीता होता तो उसके कैंसर भी नहीं होता। अगर वो 5 मंजिल के इमारत से कूद जाता है तो उसके चोट भी नहीं लगता। पकड़ के कभी उसके उंगली लगा के देखना पेट में, बे उसके भी गुदगुदी लगती है। मतलब कितनी सारी खूबी रखेगा यार एक चूहा। एक चूहे का दिल किसी चूहिया के लिए 632 बार धड़क सकता है, और हम इंसानों का केवल 72 बार। बहुत बेइंसाफी है ये। 2011 में एक प्रयोग हुआ था जिसमें एक चूहे के सामने चिप्स और चॉकलेट और एक पिंजरे में बंद चूहा रखा गया। मतलब आपको पता ही था कि चूहे के पास इतना ज्यादा दिमाग है। उसने सबसे पहले अपने साथी को छुड़ाया, उसके बाद आओ भाई आधा आधा खाते वाला सिचुएशन अपनाया जा रहे भैया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।